फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारा रियल एनालिसिस की बुक का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर 3 देखेंगे। देखो क्या है, हमने 6 तक एग्जांपल्स कर लिए थे लास्ट वीडियो के अंदर, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो आज हमारे थोड़े से अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब तरीका तो आपका पूरा वही रहेगा, लेकिन बस एक थोड़ा सा चेंज आएगा, छोटा सा, वो मैं बताती हूँ आपको कैसे आएगा। क्या है क्वेश्चन, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इन प्रॉपर इंटीग्रल। वही बतानी तो हमें क्या ही है, कन्वर्जेंस ही बतानी है इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के कन्वर्जेंस। अब देखो जैसे हमें ये दे रखा है माइनस ए से ए एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम देखो, अब ये क्वेश्चन है, अगर हम एक्स की जगह ए पुट करें तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो भी यहाँ नीचे बाय में जीरो बन रहा है और आंसर में मतलब समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर हम माइनस ए रखें तो भी माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर तो भी इन्फिनिटी बन जाएगा। अब हम या तो माइनस ए रखें या ए रखें, दोनों के रखने से हमारा इन्फिनिटी आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास दो पॉइंट ऐसे हो गए जिससे हमारा इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब ए और माइनस ए दोनों ही पॉइंट कैसे हो गए, हमारे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हो गए। पहले हमारा क्या होता था, सिर्फ एक पॉइंट होता था इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का, बट इसके अंदर क्या है, हमारे दोनों ही पॉइंट क्या हो गए, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के हो गए। तो हमें क्या करना होता है, ऐसा हो जाए तो जो हमारी लिमिट है ना, जैसे माइनस ए से ए की लिमिट है, उसको हमें ब्रेक कर देना होता है। जैसे हमने यहाँ पे किस से माइनस ए, यूजुअली मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो पे ही ब्रेक लगाते हैं हम, तो माइनस ए से ज़ीरो और ज़ीरो से ए, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, लिमिट के ऊपर ब्रेक लगा दिया। ओके, तो फिर जैसे हमने इसको ब्रेक किया माइनस ए से ज़ीरो एंड ज़ीरो से, और ये वाली टर्म्स तो हमारी एज इट इज़ रहेंगे, तो माइनस ए से ज़ीरो एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो से ए एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, देन जब जो हमारा आएगा फिर हम बता देंगे कि इससे ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ओके, तो अब जैसे देखो हम ये देखेंगे, अब इन दोनों पॉइंट्स में से ज़ीरो के ऊपर तो ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूस है नहीं, मतलब ज़ीरो पे तो इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, इसमें इन्फिनिटी किस पे बन रहा है, माइनस ऑफ ए पे। हमने देखा था पीछे भी लेक्चर में कि अगर नीचे वाले पॉइंट पे इन्फिनिटी बनता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले में एप्सिलॉन ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ दो पार्ट है तो हम इसके लिए एप्सिलॉन 1 ले लेंगे, इसके लिए एप्सिलॉन 2 ले लेंगे। तो नीचे वाले पे अगर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूस हो रहा है हमारा जो फंक्शन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन 1 और ये 0, और लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंस टू क्या हो जाता था, 0 पॉजिटिव। ओके, और ये वाली टर्म एज इट इज़। अब देखो इस पे हमारा ए ऊपर वाले पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए अगर ऊपर वाले में होता था तो माइनस करते थे, नीचे वाले लिमिट में होता था तो प्लस करते थे, इस वजह से माइनस ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन 1 किया है, और ऊपर वाली लिमिट में माइनस ऑफ एप्सिलॉन 2 किया, और ये वाली टर्म एज इट इज़। देन अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो हमने आई वन मान लिया, इसको हमने आई टू मान लिया, आई वन को अलग से सॉल्व करेंगे, आई टू को अलग से, देन कंप्लीट को हम इकट्ठा करके लिखेंगे। तो अब हमने जो आई वन लिया था वो हमने ले लिया, आई वन इज इक्वल टू दिस जो हमने माना था। ओके, अब हमें क्या करना, नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने से हम देखेंगे कि क्या आएगा, देन एप्सिलॉन 1 को 0 की तरफ टेंड करवा देंगे लिमिट को, और फिर हमारा जो आंसर आएगा उससे हम बता देंगे कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ओके, तो हमने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने जो ये अंडर रूट के अंदर वाली टर्म उसको टी पुट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया, देन एक्स डी एक्स, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो क्या आ गया, माइनस ऑफ टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ हमें एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमने एक्स डी एक्स इधर रख लिया, ये बाय में लेके चले गए, तो डी टी अपॉन माइनस टू हो गया हमारा एक्स डी एक्स की वैल्यू। देन ये लिमिट हमारी x के अकॉर्डिंग थी, अब हमने पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट कर दिया तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। देखो x मेरा क्या है, माइनस ऑफ a प्लस एप्सिलॉन 1। ओके, और t हमने क्या माना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू इसके अंदर पुट करो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, माइनस ऑफ a प्लस एप्सिलॉन 1, ए स्क्वायर माइनस ऑफ इसका स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ए एप्सिलॉन 1। ओके, देन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस ऑफ एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन 1 हमने इसमें से कॉमन लिया तो 2 ए माइनस एप्सिलॉन 1 आ गया, और हमने ये लिख दिया। ओके,
एक हमारा क्या है लिमिट, जब हमारी जीरो हो, मतलब एक्स की वैल्यू जब जीरो हो, अगर एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो होगी तो टी की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई। तो हमारी लिमिट क्या हो गई, टू ए माइनस एप्सिलॉन वन इंटू एप्सिलॉन वन से लेके ए स्क्वायर की हमारी लिमिट हो गई, और लिमिट एप्सिलॉन वन टेंस टू जीरो है। एक्स डी एक्स की जगह डी टी अपॉन टू माइनस ऑफ ये आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी आ गया। ओके, अब माइनस वन बाई टू तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, वो हमने बाहर लिख लिया। लिमिट एप्सिलॉन वन टेंस टू जीरो पॉजिटिव, ए स्क्वायर टू ए माइनस एप्सिलॉन वन इंटू एप्सिलॉन वन से ए स्क्वायर की हमारी लिमिट है जो वन बाय अंडर रूट टी है, तो ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस वन बाई टू डी टी हो जाएगा। देन माइनस वन बाई टू लिमिट एप्सिलॉन वन टेंस टू जीरो पॉजिटिव, हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन, तो टी की पावर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू हो जाएगा, और वो टू ऊपर आ जाएगा, तो टू इंटू टी की पावर वन बाई टू, और लिमिट्स हमने अप्लाई कर दी। देन माइनस ऑफ वन बाई टू लिमिट एप्सिलॉन वन टेंस टू जीरो पॉजिटिव, इसके अंदर लिमिट्स पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टू ए माइनस ऑफ टू अंडर रूट टू ए माइनस एप्सिलॉन वन इंटू एप्सिलॉन वन। ओके, देन इस माइनस वन बाई टू की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन वन टेंस टू जीरो पॉजिटिव अगर हमने कर दी तो माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ अंडर रूट टू ए माइनस एप्सिलॉन वन इंटू एप्सिलॉन वन। देन एप्सिलॉन वन की जगह हम यहाँ जीरो पुट कर देंगे तो ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, माइनस ऑफ ए, और हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ ए। तो आई वन की वैल्यू हमारी माइनस ऑफ ए आ गई, यहाँ से हमने आई वन सॉल्व कर लिया। अब हम जो हमने आई टू लिया था, हम वो उसको उठा लेंगे, आई टू को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिमिलरली है, जीरो से ए माइनस एप्सिलॉन टू दिस पार्ट, फिर हमने इसको टी पुट कर दिया, देन इसका डिफरेंशिएशन किया, एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, अगर हमारी एक्स की वैल्यू जीरो है तो टी हमारा ए स्क्वायर हो गया, अगर हमारी एक्स की वैल्यू ए माइनस एप्सिलॉन टू है तो टी की वैल्यू हमारी ए हो गई। हमने लिमिट्स पुट करी, इसका सिंपल इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन करने से ये आ गया, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, एप्सिलॉन टू की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो बन जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए आ गया, आई टू की वैल्यू हमारी ए आ गई। ओके, उसके बाद हमने देखो क्या किया था कि जो ये वाली टर्म है ना वो आई वन प्लस आई टू के इक्वल हो रहा, हमें तो इसी का निकालना है ना आंसर, तो हमने आई वन की वैल्यू क्या आई थी हमारी माइनस ऑफ ए, आई टू की वैल्यू आई प्लस ऑफ ए, इनको ऐड किया तो हमारा क्या आ गया जीरो, मतलब एक फाइनाइट फिक्स आंसर आ गया। इसका मतलब जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, और कन्वर्ज किसकी तरफ कर रहा है, जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। अब देखो वही हम इसी का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें क्या है, माइनस वन से वन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो ये है हमारा क्वेश्चन, माइनस वन से वन है हमारी लिमिट, और क्या है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन से वन। अब माइनस वन पुट करो तो भी ये कंप्लीट हमारा प्रॉपर बन रहा है, वन पुट करो तो भी, क्योंकि वन बाय वन तो वन हो जाएगा डी एक्स, बट इनके बीच में हमारी एक वैल्यू होती है ज़ीरो। अगर हम जीरो पे देखें तो वन बाई ज़ीरो इन्फिनिटी बन रहा है, मतलब ज़ीरो हमारा ये कौन सा पॉइंट हो गया, इसका इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हो गया। तो हम लिख देंगे कि द इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट है ना माइनस वन और वन के बीच का पॉइंट है ज़ीरो, द इंटीरियर पॉइंट ज़ीरो इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अगर हमारा लिमिट के बीच का पॉइंट आ जाए ना इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का, तो हम उसी पॉइंट पे ब्रेक कर देते हैं लिमिट का, जैसे माइनस वन से ज़ीरो एंड ज़ीरो से वन, माइनस वन से ज़ीरो, ज़ीरो से वन, उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे नॉर्मली। अब देखो जीरो पॉइंट पे है ना यहाँ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हमारी, तो हमारा क्या हो जाएगा, वही इसके लिए हम एप्सिलॉन वन लेंगे, इसके लिए एप्सिलॉन टू लेंगे, तो क्या होगा, ऊपर की तरफ है तो माइनस ऑफ एप्सिलॉन वन हो जाएगा, तो जीरो माइनस एप्सिलॉन वन क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन वन लिमिट, और बाकी सारी टर्म एज इट इज़। सिमिलरली यहाँ पे जीरो के ऊपर नीचे की साइड है हमारा, तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो प्लस एप्सिलॉन टू होगा, तो ये हो गया, और लिमिट एप्सिलॉन वन टेंस टू जीरो पॉजिटिव, लिमिट एप्सिलॉन टू टेंस टू जीरो पॉजिटिव। देन हम इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देंगे, वन बाई एक्स स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ ये है एक्स की माइनस टू, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो क्या आ गया, एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, और लिमिट माइनस वन से लेके माइनस ऑफ एप्सिलॉन वन प्लस लिमिट एप्सिलॉन टू टेंस टू जीरो पॉजिटिव, इसका भी एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन और एप्सिलॉन टू से वन। अब हम इसके अंदर अपर लिमिट करके माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, सिमिलर इसमें भी ऐसे ही कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
सिमिलरली इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, देन एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0 पॉजिटिव करना है, यहाँ भी एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0 पॉजिटिव करना है, तो 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। सिमिलरली 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, मतलब जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। और डाइवर्ज क्यों कर रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी आ गया तो इन्फिनिटी आता है तो डाइवर्ज ही करता है। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखो एट्थ, देखो इसमें क्या है हमारा कि एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ, इसकी हमें इम्प्रॉपर जो इंटीग्रल है उसकी कन्वर्जेंस बतानी है। तो देखो क्या है, वही जीरो और वन, जीरो के ऊपर हमारा ये क्या हो रहा है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो रहा है, क्योंकि वन बाई ज़ीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। लॉग जीरो तो वन है लेकिन वन बाई ज़ीरो तो यहाँ इन्फिनिटी बन रहा है ना, तो हम लिख देंगे कि ज़ीरो है जो हमारा वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। अब नीचे वाला पॉइंट अगर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है तो इसमें एप्सिलॉन ऐड होता है, तो जीरो प्लस एप्सिलॉन इधर एप्सिलॉन आ गया और लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू जीरो पॉजिटिव, बाकी टर्म्स एज इट इज। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर हमारा जैसे यहाँ पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में हो तो जो हमारा नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है ना वही होता है उस फंक्शन का, जैसे लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वन बाई एक्स, तो इसका जो नॉर्मल इंटीग्रेशन का रूल होता है ना वही लगेगा कि लॉग एक्स की पावर माइनस टू है प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव इसके साथ में, ये हमारा इंटीग्रेशन का रूल होता है। देन एप्सिलॉन से वन बाई ई, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू जीरो पॉजिटिव, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू जीरो पॉजिटिव, इसकी पावर क्या होगी, माइनस वन, सिमिलरली यहाँ माइनस वन आ गया तो माइनस वन अपोन इसकी पावर माइनस वन होगी, तो ये बाय में चला गया लॉग ऑफ एक्स एप्सिलॉन से लेके वन बाई ई, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू जीरो पॉजिटिव, इसके अंदर अपर लिमिट पुट करी तो क्या गया, माइनस वन वन बाई लॉग ई की पावर माइनस वन, वन बाई ई को ई की पावर माइनस वन भी लिख सकते हैं, प्लस लॉग एप्सिलॉन, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू जीरो पॉजिटिव वन बाई लॉग ई, ये क्या किया है इन्होंने, माइनस ऑफ वन बाई लॉग लॉग ई की पावर माइनस वन है ना, इसको ये ऊपर माइनस वन है। अब देखो लॉग एम की पावर एन को हम ऐसे लिख सकते हैं एन लॉग एम, सिमिलरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वन माइनस वन ऑफ लॉग ई, माइनस से माइनस कैंसिल तो वन बाई लॉग ई आ गया, प्लस वन बाई लॉग एप्सिलॉन, लॉग ई हमारा क्या होता है वन होता है, तो वन बाई वन वन, प्लस एप्सिलॉन की जगह हमने जीरो पुट कर दिया तो लॉग जीरो हो गया, लॉग जीरो हमारा क्या होता है माइनस ऑफ इन्फिनिटी होता है हमारा लॉग जीरो, जो हमारा लॉग वन होता है वो तो ज़ीरो होता है और लॉग ज़ीरो होता है वो हमारा माइनस ऑफ इन्फिनिटी होता है। ओके, तो वन बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ ज़ीरो आ गया, वन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, तो ये हमारा क्या होगा एक फाइनाइट नंबर। आई थिंक मैंने यहाँ लॉग ज़ीरो की वैल्यू कुछ और बता दी थी, लॉग वन की वैल्यू तो ज़ीरो होती है और लॉग ज़ीरो की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। ओके, वन प्लस ज़ीरो क्या आ गया वन, और ये हमारा एक फाइनाइट नंबर है तो ये एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर गया। तो ये थे हमारे सारे एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।